मध्य प्रदेश सरकार को धर्मांतरण कानून के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के ऊपर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस देकर इस पर जवाब भी मांगा है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों पर बीते साल नवंबर में जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसे एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सरकार के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि एससी ने मामले के पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, साथ ही सुनवाई की जरूरत बताई है और अगली तारीख 7 फरवरी तय की है। मसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अवैध तरीके से धर्मांतरण न हो, इस पर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण न हो इसके लिए कटिबद्ध है। हम अपने पक्ष को मजबूती के साथ में सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। धर्मांतरण की बात मैं करता नहीं हूँ, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसका जवाब दे सकते। बता दें कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन कर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए घोषणा पत्र भरना होगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाले धर्माचार्य को भी सूचना और सत्यापन पत्र देना होगा। 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को ऐच्छिक धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र देना होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मध्य प्रदेश में दूसरे धर्म में शादी करने वालों को कलेक्टर को जानकारी देना जरूरी है या नहीं।